कागज कलम की जो दोस्ती है ना, बहुत अच्छी लगती है। खुद अनपढ़ हूँ ना, तुझे पढ़ते लिखते देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। जूनी की शायरी की वजह से जूनी को अपने ससुराल में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। बेमुरव्वत, यहाँ नहीं चलेगा तेरा ये लिखना पढ़ना, समझी ना? ये कलम कागज अपने मायके छोड़ाना, वरना मैं तुझे तेरे मायके ही छोड़ दूंगा, समझी? अम्मी, क्या लड़कियों का पढ़ना लिखना गुनाह होता है? नहीं जूनी, इल्म कभी गुनाह नहीं हो सकता। एक दिन जूनी अपना ही कोई गीत गा रही थी, तभी वहां से कश्मीर के बादशाह यूसुफ शाही चक गुजर रहे थे। वाह, सुभान अल्लाह, क्या आवाज है। तुम परी हो क्या? जी नहीं, मैं जून हूं। जून? जी हाँ, यहीं पास के संधार गांव की रहने वाली हूं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम परी हो। जी नहीं, मैं जून ही हूँ। बहुत अच्छा गा लेती हो तुम, किसका कलाम है ये? ये मेरे खुद के अशआर हैं, मैं लिखती भी हूँ। सुभान अल्लाह, ये गवर है नायाब, इस गांव में क्या कर रही है? तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना? हुई है, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह का जूनी से मिलने के बाद शाही इल्ची बादशाह की शादी का पैगाम लेकर जूनी के घर जाता है। ये लकड़ियां कटवाकर अंदर रखवानी होंगी जी, और ये घास भी अंदर करना पड़ेगा, पता नहीं कब बारिश हो जाएगी। सुनिए वहां देखिए, सुनिए उधर। सलाम हुजूर। सलाम। सलाम। मुझे शहंशाह आलम ने आपके पास पैगाम लेकर भेजा है। क्या? अब तशरीफ तो रखिए आप। नहीं अबली साहब, शहंशाह आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। हाँ,
मैं ठहरा एक आम आदमी और वो बड़े बादशाह। अब ये बादशाह सलामत का हुक्म है तो इसके लिए आम क्या और खास क्या, हम सबको इसकी तामील करनी चाहिए। जी जी हुजूर, जी हुजूर। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। नहीं हजरत, बादशाह सलामत ने आपकी बेटी को बहुत अपनी आंखों से देखा है। क्या तो शहजादे आलम को मालूम है कि? हाँ, उन्हें इस बात का इल्म है कि आपकी बेटी शैतान के चंगुल से आजाद हो चुकी है। उन्होंने तो उसकी शायरी को भी एक मुद्दा बना लिया था। या अल्लाह, शेर क्या सुना। तो मैं बादशाह सलामत को क्या अर्ज करूं? जी मैं खुद अर्ज करने के लिए अपनी जुबान। हाँ, तो मैं ये समझूं कि आपको हमारे शहंशाह के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर है? मंजूर है हुजूर, मंजूर है। हमारी क्या बिसात कि हम आपको ना कहें। तो हम ये रिश्ता मंजूर समझें? मंजूर। जी, शहंशाह आलम का ये फरमान है कि दुल्हन के सारे कपड़े, जेवरात और आप सभी के लिए आला कपड़े महल से आएंगे। जी जी हुजूर। मुबारक बेटा, मुबारक। जूनी की शादी यूसुफ से हो जाने के बाद बादशाह यूसुफ शाही चक ने जूनी को हब्बा खातून का नाम दिया। मलिका हब्बा खातून, जब से आप हमारी जिंदगी में आई है हम अपने आप से बेखबर हो चुके हैं। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं है आलम पना। बहुत दिनों से आप दरबार में तशरीफ भी नहीं ले गए हैं। अब दरबार कहाँ भागे जा रहा है मलिका हुस्न? तो हम भी कहाँ भागे जा रहे हैं हजूर? आपके ही कदमों में सारी उम्र गुजारने की तमन्ना लेकर ही तो हम इस महल में आए हैं। आपकी जगह हमारे कदमों में नहीं बल्कि हमारे दिल में है। तो उसी दिल में हमें समाकर आप दरबार के मसाइल को भी खुश असलूबी से निभाइए बादशाह आलम। एक शर्त पर। हुक्म कीजिए हजूर। सबसे पहले आप हमें अपनी मीठी सी आवाज में कोई ताजा कलाम सुनाएंगी।
यूसुफ शाही चक अपनी मलिका हब्बा खातून के प्यार में इस तरह खो गए कि अपनी हुकूमत की तरफ ध्यान देना ही भूल गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ मेरे सरताज? क्या सुना है हमारी जान ने जो चेहरे पर इस कदर परेशानी छाई है? देखिए, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कते नहीं, क्या ये मुमकिन है? जो हमारे दिल में रहती है हम उसी से पर्दा किए बैठे हो? अच्छा, तो खाइए मेरे सर की कसम और कहिए कि आप हमसे झूठ नहीं बोल रहे। मलिका, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? आप पे तो अपनी जान से भी ज्यादा यकीन करती हूँ मैं, लेकिन इन हवाओं ने जो मुझ तक बात पहुंचाई है उसका क्या? यकीन गुस्ताख हवाओं ने हमारे महल खाने में घुसकर आपको इस हद तक परेशान और बदगुमान कर दिया है। कसम अपनी मोहब्बत की, बस आप एक बार इशारा कर दीजिए, फिर हवा हो या आदम, आप मेरे सरताज, अगर ऐसी बात है तो क्या ये झूठ है कि आप किसी जंग में जा रहे हैं? ओह, तो आपने हमारे जंग पे जाने की बात सुनी है? जी हाँ, और मेरा यकीन मानिए, तब से ना मैं इस आलम की हूँ ना उस आलम की। मलिका हब्बा खातून, हमारी मोहब्बत और फिक्रमंदी के आलम में ये क्यों भूल जाती है कि इस राजताज के तय हमारी कोई जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें निभाना पड़ता है? देखा देखा ना, ये सच है जो मैंने सुना है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि शहंशाह अकबर ने हमें बुलाया है और हम वहां जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो सुना है वो नहीं, ना ही उन्होंने किसी जंग की बात करी है और ना ही हम कोई जंग करना चाहते हैं। बादशाही मामलात में तो ये सब बातें होती ही रहती है। वजह चाहे जो भी हो, आप हमसे दूर तो जा ही रहे हैं ना। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे आपके पास अपने मुल्क में। लेकिन जो जुदाई हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी उसका क्या? इंशाअल्लाह बहुत फायदेमंद होगी। क्या? हाँ, मेरी खुश लहन, खुश कलाम, अजीज जान मलिका, हम जानते हैं हमारी जुदाई के आलम में बहुत ही खूबसूरत और दर्दमंद अशआर लिखेंगे जिन्हें हम वापसी पर जरूर सुनना चाहेंगे। मतलब कि आपको शायर हब्बा खातून की फिक्र है, अपनी मलिका जून की नहीं। बखुदा, हब्बा खातून हो या जून, हर रंग में हमारी जान है, हमारी जिंदगी। इधर यूसुफ शाही चक के दिल्ली जाते ही शहंशाह अकबर ने उसे कैद कर लिया और ये खबर सुनकर मल्लिका हब्बा खातून को गहरा सदमा लगा। नहीं,
मेरे सरताज। मल्लिका मोहतरमा, आप हिम्मत मत हारिए। अकबर बादशाह ने आलमपना को कैद कर लिया है, खुदा ना खास्ता। नहीं, मेरे सरताज को कोई कैद नहीं कर सकता। जिस सरताज को मैंने अपने सीने में कैद कर रखा हूँ, उस सरताज को कोई कैसे कैद कर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप जा रहे हैं? अकबर बादशाह ने हमें एक बार फिर बुलाया है। पर आप अपना कलाम लिखना जारी रखिएगा, हम जब वापिस आएंगे तो उसे जरूर सुनेंगे। मेरा दिल धड़क रहा है। इस धड़कते दिल को अशार में तब्दील करके अपने इन खूबसूरत हाथों से कलम उठाकर कागज पर पिरो दीजिए, और जब हम लौट के आए तो हमें अपनी सुरीली आवाज में सुना दीजिए। अल्लाह हाफिज। ऐ परवरदिगार, मेरे सरताज की हिफाजत करना। अपने यूसुफ की जुदाई हब्बा खातून से बर्दाश्त नहीं होती है। वो अपने होशो हवास खो बैठती है और दीवानावार जंगलों में भटकती रहती है। Oh, shit.